good morning students students today we are going to discuss about the last chapter of biotechnology biotechnology and its application okay students uh, biotechnology is used or applied in various fields for the human welfare now it is used in the field of agriculture it is used in the field of medicine it is the it is used in the field of chemical industry it is used in the field of food industry or it is also used in the environmental protection and there are various fields where it can be used and these are still to be discovered so initially i want to introduce biotechnology and how i will tell you that how it is applicable or what are its benefits since we know that uh, biochemistry deals with the change in the molecular analogs एंड यूज़ ऑफ दैम फॉर द ह्यूमन वेलफेयर मीन्स बायोटेक्नोलॉजी जो डील करती है उसमें डी एन ए और आर एन ए में के स्ट्रक्चर में चेंज किया जाता है और आफ्टर चें मेकिंग चेंज वी कैन यूज देअर प्रोडक्ट्स ठीक है एंड दीज प्रोडक्ट्स कैन बी यूज फॉर वेरियस फील्ड्स लाइक मेडिकल फील्ड एग्रीकल्चर फील्ड और सम अदर फील्ड्स तो बायोटेक्नोलॉजी डील्स विथ इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मोडिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगी प्लांट्स एंड एनिमल्स तो इन दिस वे वी कैन से दैट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो डील कर रही है डिफरेंट जेनेटिकली मोडिफाइड प्लांट्स को एनिमल्स को फंगस को एनिमल्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंड दीज जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस और आर यूज इन द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बायो फार्मास्यूटिकल्स और सम अदर प्रोडक्ट्स ठीक है नाउ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स थेराप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक जेनेटिकली मोडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड बायो रेमिडिएशन वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन नाउ फाइनली जो आपके बायोकेमि बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो जी एम ओ तैयार किए जाते हैं जेनेटिकली मोडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार किए जाते हैं एंड दीज ऑर्गेनिजम्स आर यूज इन वेरियस फील्ड्स दे आर यूज इन द फील्ड ऑफ थेराप्यूटिक्स डायग्नोस्टिक्स ठीक है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर यूज इन एग्रीकल्चर ठीक है दे आर यूज फॉर प्रोसेसिंग ऑफ फूड बायो रेमिडिएशन वेस्ट ट्रीटमेंट एज वेल एज एनर्जी प्रोडक्शन वाइल वी आर गोइंग टू टेक एडवांटेजेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी तो देर आर सम फील्ड्स और देर आर सम मेजर रिसर्च एरियाज वट आर दीज आई एम टेलिंग यू दैट ठीक है द फर्स्ट मेजर एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज टू सिप्लाई टू सप्लाई बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गनिज्म विद बेटर करैक्टरिस्टिक यानी अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बेटर प्रोडक्ट को ऑप्टेन करना है तो इनिशियली वट यू हैव टू डू यू हैव टू सप्लाई बेस्ट कैटलिस्ट नाउ वट इज़ कटलिस्ट हेयर कैटलिस्ट इज अ काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गनिज्म और अ कांड ऑफ एंजाइम विच इज़ प्रोवाइडिंग अस बेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन विच इज प्रोवाइडिंग अस बेस्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट ठीक है नाउ सेकंड टू क्रिएट ऑप्टीमल कंडीशन बाई जेनेटिकल इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू फंक्शन तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे एक कैटलिस्ट तैयार करोगे यानी एक ऑर्गेनिज्म तैयार करोगे और उससे उस ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एंजाइम तैयार करोगे जो आपको बेस्ट प्रोटीन प्रोवाइड करके देगी नाउ अब आप सेकंडली आप क्या करोगे आप केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ सोचो नाउ यू हैव टू प्रोवाइड सच काइंड ऑफ इन्वायरमेंट और सच काइंड ऑफ कंडीशंस इन विच द कैटलिस्ट विल वर्क इफिशियंटली एंड विल हेल्प यू टू प्रोवाइड द बेस्ट काइंड ऑफ प्रोडक्ट now you have selected the best kind of catalyst now you gave the best kind of conditions to that catalyst to produce maximum quantity of the product now what will you do after that you will go for the purification as well as the downstreaming down as well as the processing of that particular product so third major area uh, of biotechnology is purification of proteins or organic compounds uh, for और बाय डेवलपिंग डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस मीन्स आप जो भी प्रोटीन्स आपको जो भी प्रोडक्ट मिल रहे हैं आप उसको क्या करोगे प्यूरीफाई करोगे आइसोलेट करोगे एंड डाउन स्ट्रीमिंग करके मार्केट में लॉन्च करोगे सो दीज आर थ्री एरियाज़ मेजर एरियाज ऑफ रिसर्च इन बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट टू सप्लाई बेस्ट कैटलिस्ट आइदर इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इन द फॉर्म ऑफ द एंजाइम ठीक है टू गेट इम्प्रूवड और बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट सेकेंड to create the conditions for uh, genetical engineering to obtain best products third purification as well uh, purification of the proteins as well as the downstreaming of the proteins or products before launching in the market okay now today i will discuss how the biotechnology is applicable in the form of, in the field of agriculture and uh, i will tell you a few points related to it So. बायोटेक्नोजी इज एप्लाइड इन केस ऑफ द इन फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर टू इनहस और टू इनक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स ठीक है नाउ बिसाइड्स बायोटेक्नोलॉजी थ्री अदर टेक्निक्स और आर ऑल्सो यूज इन केस ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम फर्स्ट वन इज ऐग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर सेकेंड इज ऑर्गेनिक कल्चर थर्ड इज जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप और बेस्ड एग्रीकल्चर तो मीन्स वी कैन द फार्मर्स कैन Yeah, go for three different techniques or three different approaches to improve their crop variety or to improve their yield. Thicke. The first one is called agrochemical based agriculture. As we know that the green revolution came in India in 1960s thicke, in which the crop production rate was uh, amplified with a great scale thicke, or great gr with a great rate. Thicke. Now green revolution crop production increased by using improved क्रॉप वराइटीज़ बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसिज एंड यूज ऑफ एग्रोकेमिकल एग्रोकेमिकल मीन्स फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स द केमिकल यानी नाइनटीन सिक्सटीज़ में जब आपका लॉन्च हुआ ग्रीन रिवल्यूशन इन दैट ड्यूरेशन इन दैट पर्टिकुलर ड्यूरेशन द फार्मर्स यूज वेरी इम्प्रूव्ड वरायटी ऑफ द क्रॉप्स ठीक है एज वेल एज दे वेंट फॉर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसज एंड दे यूज बेस्ट एग्रोकेमिकल्स मीन्स दे यूज बेस्ट फर्टिलाइजर्स एंड बेस्ट पेस्टिसाइड्स ठीक है एंड after that what happened the food uh, increment was quite enough and uh, it satisfied the uh, it satisfied the needs of food uh, the need of food for that particular time but uh, the food supply was tripled but was not enough to growing population at that time and after the green revolution the food productivity tripled uh, what it was earlier okay? but now the population is growing regularly now it is not quite sufficient to fulfill the requirement of all the population नाउ एग्रो सेकेंड द एग्रोकेमिकल्स वर टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स टू अफोर्ड थर्ड इंक्रीज इन यील्ड विद द एग्जिटिंग वैरायटी आर नॉट पॉसिबल विद द कन्वेंशनल ब्रीडिंग तो इंक्रीज़ तो हुआ बट रेगुलर इंक्रीज़ करना इन कन्वेंशनल वरायटीज के साथ अब पॉसिबल नहीं था ठीक है तो इसके बाद इसके वजह से क्या हुआ नाउ इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स वर अल्टरनेटिव टू ऑप्टेन मैगजिमम ईल्ड फॉर बाई अंडरस्टैंडिंग जेनेटिक्स ऑफ द क्रॉप्स ठीक है तो इसके बाद क्या हुआ नाउ द पी द नाउ द साइंटिस्ट थॉट दैट नाउ अब हमें जाना चाहिए क्रॉप वराइटी इंप्रूवमेंट की वो ना क्यों ना हम क्रॉप्स के जीन्स में ऐसा मॉडिफिकेशन कर दें कि क्रॉप्स की जो यील्ड है प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाए ठीक है नाउ दे प्रोड्यूस सम जी एम जी एम मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स ठीक है फॉर एग्रीकल्चर एंड दे वेंट फॉर द इन्हांसमेंट और इंक्रीजमेंट इन द और इम्प्रूवमेंट इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी दे एनरीज क्रॉप्स विद विटामिन ए Like uh, vitamin A enriched rice, they went for the better nitrogen fixation practices. They went for the tolerance of the abiotic stress like cold, drought, salt, and heat. The okay? because these are destroying our crops. Now, uh, they decided that they should have to reduce the dependency on the chemical pesticide, and they made the crops themselves pest resistance. Like Bt cotton, Bt brinjal. The okay? they. गॉन दे गॉन फॉर द रिड्यूस इन द पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस बिकॉज हार्वेस्ट करने के बाद सबसे ज़्यादा क्रॉप लॉस होता है तो उसके ल, उसके क्रॉप लॉस को लेस करने के लिए उसके पीछे गए ठीक है इंक्रीज इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाई नाउ दे इम्प्रूव द क्रॉप्स एज दे आर यूटिलाइजिंग मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिय विच आर प्रोवाइडेड टू दैम नाउ दे वेंट फॉर द डिजीज रेजिस्टेंस ऑफ द Crop and finally, they went for the micro propagation or biomass production of the energy rich crops. Okay, now what are these in detail? We will discuss in tomorrow's video. Till then, thank you, bye bye, and have a nice day.